हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में एनसीईआरटी ऑनलाइनर का एनवायरनमेंट चैप्टर का पूरा कराने वाले हैं। ये आपके सारे एग्जाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। बीपीएससी यही के लिए स्पेशली है, और जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का एग्जाम है और उसमें अगर जेके पूछ रहा है तो इस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आइए आप देख सकते हैं यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा, कौन कौन सा टॉपिक अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में क्या रहेगा, बायोम एंड बायोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन तो जरूर आएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज, एसएससी जेई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आएगा। मेजर पोल्यूटेंट एंड सोर्सेस, ठीक है, मिसेलनियस, बस इतना ही है। और इतना क्वेश्चन आप कर लेते तो दो तीन क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। ठीक है, एसएससी जेई हो गया, बीपीएससी हो गया, जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप वो सब में आएगा। तो आइए सबसे पहला हम देखते हैं, इसमें पूरा डिटेल में नहीं बताने वाले हैं, बस पढ़ के थोड़ा बहुत समझा देंगे और आप इसको दो के स्पीड में करके आप जल्दी जल्दी देख भी लीजिएगा दो तीन बार, तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल रिलेशन बिटवीन हुम। इकोलॉजी जो होता है यह स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बिटवीन हुम, किसके और किसके बीच में होता है, तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसी का हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। एक्चुअली लोगी मतलब क्या होता है, स्टडी, और इको मतलब घर होता है एक तरह से माने तो। आप जैसे ये इको किसका घर हो गया, एनिमल्स स्पीसीज जो भी रहते हैं तो उनके घर का हम स्टडी करते हैं। तो ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो भी ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है उसका स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। वाट आर द थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, तीन मेजर कंपोनेंट क्या है इन्वायरमेंट का, तो आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल कंपोनेंट है, एनर्जी कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखिए ये देख सकते हैं ये पिरामिड ऑफ नंबर कैसे चलता है, ये आपका अपराइट पिरामिड हो गया। इसमें सबसे नीचे प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्लांट, घास, ये सब जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधा, पौधा जनरली होता है जैसे घास हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर जो इसको खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका उसमें आ जाता है पिरामिड्स, और ये अपराइट पिरामिड हो जाता है। ठीक है, एक पिरामिड की तरह है, इसमें से कोई भी अगर अब्सेंट होता है तो बोलते हैं ना कि जैसे बाघ का प्रजाति नहीं रहेगा या फिर किसी एक का प्रजाति नहीं होता तो इकोलॉजी सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग सुनते हैं, तो बस इसी की वजह से होता है, हर कोई एक दूसरे पे आश्रित है और बिना एक दूसरे का कमी अगर रहता है तो दिक्कत हो जाता है। तो इस तरह की चीज आगे हम लोग देखेंगे। और क्या क्या क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज टर्म इकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट हैकल कौन सा पहला आदमी था जो कि इकोलॉजी के टर्म को यूज किया था, तो अर्नेस्ट हैकल पहला आदमी था इकोलॉजी के टर्म को एस्टेब्लिश किया था। देखिए, पहला टर्म एस्टेब्लिश किया, बहुत कमाया, अर्न किया, अर्नेस्ट, ऐसे याद रखेंगे। हैकल पहला बार कर रहे तो थोड़ा थोड़ा हकला रहा था, मतलब याद करने के लिए बोल रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकल पहला बार किया तो पैसा उस ज्यादा कमा लिया, और शुरू बार कर रहे तो हकला रहा था, और कब कर रहा था, 1869 में। ये आप तीनों चीज याद रखेंगे। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच इकोलॉजिकल सिस्टम, तो टेरेस्ट्रियल इकोलॉजिकल सिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजिकल सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द लोकेशन ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शनल यूज, फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इकोलॉजिकल फंक्शन हो जाएगा। कौन डिस्क्राइब करता है लोकेशन ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म बट नॉट आल्सो द फंक्शनल रोल ऑफ, बट आल्सो द फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल और फंक्शन हो जाएगा। देखिए, पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम सबसे पहले प्रोड्यूसर हो गया, उसका ड्राई वेट कितना होता है, 585 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, प्राइमरी कंज्यूमर 77, सेकेंडरी कंज्यूमर 12, टर्शियरी कंज्यूमर 1.1। ठीक है, व्हाट टाइप इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, तो यूनिडायरेक्शनल होता है, जो एनर्जी का फ्लो होता है ना इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल होता है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, रेमंड लिंडेमैन गेव द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ अकॉर्डिंग टू विच 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, मतलब 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सक्सेसिव लेवल में,
मेजोरिटी ऑफ द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, तो ये आप याद रखेंगे 10%. व्हाट इज पिरामिड ऑफ फौना इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो अपरीड अपराइट होता है, क्या होता है अपराइट होता है, अपराइट पिरामिड ऑफ फौना इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम तो अपराइट होता है. हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द ब्रटलैंड कमीशन. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो रहा है मतलब मेरा जो लैंड है, जो जमीन है, हम ज्यादा ले रहे हैं, तो ब्रटलैंड कमीशन बस याद रखने के लिए है. विच इज द मोस्ट सस्टेनेबल इकोसिस्टम, तो ओशियन जो है ना सबसे ज्यादा सस्टेनेबल इकोसिस्टम है, ओशियन हो जाएगा इसका. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है. अब ये देखिए इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर मेरीन इकोसिस्टम के लिए इन्वर्टेड पिरामिड हो जाएगा. सबसे पहले आपका लार्ज फिश होगा जो कि छोटे मछली को खा जाते हैं, लार्ज फिश, स्मॉल फिश, सेकेंडरी कार्निवायर, प्राइमरी कार्निवर्स, हर्बाइवर्स और जू प्लैंकटन, इसके बाद फाइटो फाइटो प्लैंकटन. ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड हो गया. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर देयर, तो तीन टाइप का होता है, एक होता है पिरामिड्स ऑफ नंबर, एक होता है बायोमास और एक होता है एनर्जी. क्या होता है, एक होता है आपका पिरामिड ऑफ नंबर, एक होता है बायोमास और एक होता है एनर्जी. ये तीन टाइप्स ऑफ पिरामिड सिस्टम है. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, व्हाट विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड चेन इन द इकोसिस्टम, तो फंगी हो जाएगा, जो कि फंगी और बैक्टीरिया हो जाएगा. किस टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है वो डीकम्पोजर कहलाता है फूड चेन के कंसेप्ट में, इकोसिस्टम में, तो फंगी और बैक्टीरिया हो जाएगा. इन विच इकोसिस्टम इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड, तो इन द एक्वाटिक सिस्टम हो जाएगा, इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम पिरामिड्स ऑफ बायोमास इन्वर्टेड. व्हाट इज द रोटेशन ऑफ एलिमेंट कॉल्ड इन द इकोसिस्टम, तो बायो जियोकेमिकल साइकिल. व्हाट आर द मेजर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन मेरीन इकोसिस्टम, तो फाइटोप्लैंकटन है मेजर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन मेरीन इकोसिस्टम, तो फाइटोप्लैंकटन हो जाएगा. एट विच लेवल ऑफ फूड चेन डू द हर्बाइवर्स और प्राइमरी कंज्यूमर एग्जिस्ट, तो सेकेंड लेवल पे. ठीक है, किस लेवल पे होता है, तो सेकेंड लेवल पे. एट विच लेवल ऑफ फूड चेन डू द हर्बाइवर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स एग्जिस्ट, तो सेकेंड लेवल पे हो जाएगा, याद रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम. ठीक है, व्हाट इज कंसिडर्ड इन द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम, तो सोलर रेडिएशन हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, सोलर रेडिएशन हो जाएगा. देखिए ये हर्बाइवर्स, मतलब देखिए हिंदी हम नहीं बता रहे इसलिए क्योंकि इंग्लिश का है, इंग्लिश कर रहे हैं तो हिंदी बन जाने से कोई फायदा नहीं, शाकाहारी होता है इसे. ठीक है, एट विच लेवल ऑफ फूड चेन टू द हर्बाइवर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर एग्जिस्ट, तो सेकेंड लेवल पे होता है. अब देखिए इकोसिस्टम में सेकेंड लेवल पे ना होगा क्योंकि घास है, घास पे आप घास को क्या बकरी खाती है घास को, तो ये क्या है हर्बाइवर्स, ये शाकाहारी है. ठीक है, और इकोसिस्टम जो होता है दो टाइप में क्लासिफाई होता है, एक होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट. एक होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ये आपका जीवित होते हैं, ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स होता है, ये आपका लिविंग थिंग्स होते हैं. ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग थिंग्स ये आपका बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे. ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग थिंग्स दैट इज कम्स अंडर द बायोटिक कंपोनेंट एंड ह्यूमन एनिमल्स जू प्लैंकटन फोटोप्लैंकटन ये सब आपका बायोटिक कंपोनेंट के फॉर्म में आ जाएंगे. प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजिशन एंड डर्टी वायर्स ये भी आपका बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे. एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएंगे, क्लाइमेट, नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है वो एबायोटिक कंपोनेंट में, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, लैंड हो गया और वाटर हो गया, ये सब आपका एबायोटिक कंपोनेंट में, जो कि जीवित नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है एबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लेवल में. ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट एजी टेंसले फर्स्ट यूज द टर्म इकोसिस्टम इन 1935. एजी टेंसले फर्स्ट जो है टर्म इकोसिस्टम को यूज किए थे 1935 में, ये आप याद रखिएगा. अब आते हैं बायोम एंड बायोस्फीयर. ठीक है, बायोम एंड बायोस्फीयर, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कमी कर लेते हैं. बायोम्स आर द ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम. बायोम्स क्या होते हैं, देखिए इकोसिस्टम का एक ग्रुप ही होता है बायोम्स.
that share similar climatic condition and same kind of biotic and abiotic factor spread over a large area. All biomes together make up the biosphere. ठीक है, all biomes together make up the biosphere. ये हो जाएगा which is the largest biome on the earth. तो aquatic biome हो जाएगा, सबसे बड़ा जो एक आपका लार्जेस्ट बायोम जो है ना अर्थ पे, वो आपका एक्वाटिक बायोम हो जाएगा. विच इज द मोस्ट यूजफुल बायोम इन अ कॉन्टेक्स्ट टू बायोडायवर्सिटी एंड बायोमास, तो टुंड्रा बायोम हो जाएगा. सबसे यूजफुल बायोम जो है, ठीक है, वो कौन सा बायोम हो जाएगा बायोडायवर्सिटी में, ये आपका टुंड्रा बायोम हो जाएगा. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. ठीक है, विच mechanism link all the organisms of a community, the food network or food web, food network or food web हो जाएगा, food web. Which mechanism link all the organisms of a community, the food network or food web हो जाएगा. ठीक है, देखिए ये biomes मतलब आप ये मत कीजिए, biomes मतलब वही चीज होता है ना, जैसे जैसे जहां पे कि कोई भी species रहते हैं उनका location वही biomes होता है, species का location हो गया एक तरह से. इबोनी एंड महोगनी ट्रीज, इबोनी एंड महोगनी ट्रीज आर रिलेटेड टू विच फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल इवर ग्रीन फॉरेस्ट से रिलेटेड है इबोनी एंड महोगनी ट्रीज. ठीक है, साल, टीक, रोज वुड ट्री बिलोंग टू विच बायोम, तो मॉनसून फॉरेस्ट बायोम हो जाएगा. ठीक है, साल, टीक, रोज वुड ट्री बिलोंग टू विच बायोम, तो मॉनसून फॉरेस्ट बायोम हो जाएगा. विच बायोम हैज द हाइएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, किस बायोम के पास हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम हो जाएगा. विच बायोम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वर्ल्ड मोस्ट डिस्टर्ब इकोसिस्टम, तो मॉनसून बायोम हो जाएगा. ठीक है, इकोलिप्टस ट्री जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोलिप्टस ट्री जो होता है इज कॉल्ड इकोलॉजिकल इकोनॉमी, इकोलिप्टस ट्री को हम इकोलॉजिकल इकोनॉमी बोलते हैं, और इट इज फाउंड इन अबंडेंस इन द कंटिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के कंटिनेंट में बहुत ज्यादा पाया जाता है एकलप्टस ट्री, ये इकोलॉजिकल इनेमी है. द क्रिएचर्स लिविंग इन द डीप वाटर ऑफ द ओशियन आर नोन एज बेंथोस होता है, क्या होता है बेंथोस. द क्रिएचर लिविंग इन द डीप वाटर ऑफ द ओशियन, ठीक है, द क्रिएचर लिविंग इन द डीप वाटर ऑफ द ओशियन आर नोन एज बेंथोस हो जाएगा. प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट, जो आपका पौधा होता है ना वो आपका क्या होता है ग्रीन, हरा भरा होता है, किस पिगमेंट की वजह से, तो क्लोरोफिल, ये तो सभी लोग जानते होंगे क्लोरोफिल की वजह से ही होता है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, सिंस व्हेन इज द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बींग पब्लिश्ड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो 1987 हो जाएगा. ठीक है, 1987 हो जाएगा, 1987 फॉरेस्ट रिपोर्ट बींग पब्लिश्ड बाई द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एवरी टू ईयर बाई द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून. इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये पब्लिश होता है हर दो साल पे, हर टू ईयर्स पे बाई द फॉरेस्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में. लायंस एंड कंपोस ग्रास आर फाउंड इन विच बायोम, तो ट्रॉपिकल ग्रास बायोम हो जाएगा. ठीक है, जो आपका लायंस होता है, कंपोज ग्रास होता है, ये आपका किस बायोम में पाया जाता है, तो ट्रॉपिकल ग्रास बायोम में. इन विच बायोम आर द कंडीशंस ऑफ ऑप्टिमम बायोम फाउंड, तो ट्रॉपिकल इवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम हो जाएगा, ट्रॉपिकल इवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम हो जाएगा. एलिफेंट ग्रास इज ए मेजर ग्रास ऑफ विच बायोम, तो सवाना बायोम हो जाएगा. इको जोन्स इंक्लूड ओनली द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, इको जोन्स जो होता है ये आपका क्या इंक्लूड करता है, टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. ठीक है, इको जोन जो है ये आपका टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर को ये करता है, इंक्लूड करता है, ये आप याद रखेंगे. इसके बाद विच स्पीसीज लाइव इन द लार्ज हैबिटेट एंड आर यूजली माइग्रेटरी, तो अम्ब्रेला स्पीसीज हो जाएगा. विच स्पीसीज लाइव इन ए लार्ज हैबिटेट, कौन सा स्पीसीज जो है लार्ज हैबिटेट में जीवित रहते हैं, बहुत बड़ा हैबिटेट, और जो होता है वो माइग्रेटरी होता है, तो अम्ब्रेला स्पीसीज हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में आप देख सकते हैं टाइप ऑफ स्पीसीज में, तो डोमिनेंट स्पीसीज होता है स्पीसीज हैविंग हायर बायोमास देन अदर्स, जैसे कि कंगारू, ये सब डोमिनेंट स्पीसीज होता है. की स्टोन स्पीसीज स्पीसिंग एग्जर्टिंग स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन द अदर स्पीसीज ओवर कम्युनिटी बाय नेचर ऑफ इट्स इकोलॉजिकल रोल इफ दे डिसअपीयर,
अदर स्पीसीज विल वर्निश, तो आपका की स्टोन स्पीसीज हो जाएंगे। फाउंडेशन स्पीसीज दे प्ले ए मेजर रोल इन क्रिएटिंग और मेंटेनिंग हैबिटेट दैट सपोर्ट अदर स्पीसीज, जैसे कि कोरल्स होता है, तो ये आपका फाउंडेशन स्पीसीज होता है। अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होते हैं, सेम एज ए की स्टोन स्पीसीज बट माइग्रेटरी होता है, टाइगर जो होता है ये आपका अम्ब्रेला स्पीसीज होता है। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज पॉलिनेटर्स है, डिस्पर्सल एजेंट सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स, ये आपका क्रिटिकल क्रिटिकल लिंक स्पीसीज होता है, ठीक है। अब आते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज जो है क्रिस्मेटिक स्पीसीज दैट स्टिमुलेट कंजर्वेशन अवेयरनेस, जैसे कि आपका गैंट, पंडा, एशिया, एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, ये सब फ्लैगशिप स्पीसीज में आते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज में ऑर्गेनिज्म हुज प्रेजेंस और अब्सेंस, ऑर्गेनिज्म हुज प्रेजेंस और अब्सेंस सिग्नल ए चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि लाइकेन, ये सब इंडिकेटर स्पीसीज में आते हैं। इन एनी बायोम, किसी भी बायोम में द लाइफ ऑफ एनिमल्स, देयर इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी एंड देयर नंबर डिपेंड्स अपॉन अ स्ट्रक्चर, ग्रॉस बायोमास एंड कंपोजिशन, इस पे डिपेंड करते हैं। विच बायोम इन द वर्ल्ड, कौन सा बायोम वर्ल्ड में, इन द विच बायोम इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड द मेन फूड रेस्पिरेटरी एंड सेंटर ऑफ मिल्क बिजनेस। देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बायोम में, पूरा दुनिया में बात कर रहे हैं हम, किस दुनिया के किस बायोम में मेन फूड रेस्पिरेटरी और सेंटर ऑफ मिल्क बिजनेस बोला जाता है, मेन फूड रेस्पिरेटरी और सेंटर ऑफ मिल्क बिजनेस बोला जाता है, तो टेम्परेट ग्लास बायोम में, टेम्परेट ग्लास लैंड बायोम में। व्हाट फैक्टर डज द स्पीसीज ऑफ प्लांट देयर स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन, तो इंटर रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बायोम्स जो होते हैं ना, बायोम्स इंक्लूड करते हैं बोथ एक्वाटिक, मतलब जलीय होता है, और टेरेस्ट्रियल पार्ट, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल पार्ट को इंक्लूड करते हैं, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल पार्ट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ बायोम आर डिसीडियस फॉरेस्ट फाउंड, तो मॉनसून फॉरेस्ट बायोम हो जाएगा। व्हाट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम कॉल्ड, तो इकोटोन होता है, ट्रांजिशन जोन जो होता है दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में, वो इकोटोन होता है। द फर्स्ट प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल स्टूप, तो चार्ल्स इल्टन हो जाएगा, चार्ल्स इल्टन। कम्युनिटी रिफर्स टू ऑल द पोल्यूटेंट पोल्यूशन इन ए स्पेसिफिक एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम, अ स्पेसिफिक स्पीसीज फाउंड इन इकोटोन बाउंड्री आर नोन एज एज स्पीसीज, इकोटोन बाउंड्री पे जो पाए जाते हैं उसको हम एज स्पीसीज बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का क्या मीनिंग होता है, तो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन ए गिवन एरिया, किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में बहुत तरह का प्लांट होते हैं, बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं, तो उसी सब को जो जो भी प्रेजेंट होते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, मतलब बहुत सारा वेराइटी का होगा, ठीक है। हु फर्स्ट यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसने यूज किया था, तो वाल्टर, वाल्टर जी रोजेन। देखिए पहला टर्म बायोडाइवर्सिटी यूज हुआ है, ठीक है। बायो मतलब जीव विज्ञान, जीव मतलब जी, और डाइवर्सिटी, और पहला बार हुआ था, राइज हुआ, राइज का आपका तीसरा फॉर्म हो जाएगा रोजेन, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, सिर्फ 1985 में हुआ, वाल्टर जी रोजेन, ठीक है, वाल्टर डी रोजेन। देखिए बायोडाइवर्सिटी वाल्टर डी रोजेन। विच जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस जियोग्राफिकल एरिया को स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डिकेड 2011 से 2020 वाज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज बायोडाइवर्सिटी डिकेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी डिकेड। हु फर्स्ट यूज द टर्म हॉटस्पॉट, तो ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मियर्स, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन वियर्स जो है, ठीक है, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन वियर्स, इसके बाद 1988 में, एरिया दैट आर हाईली प्रोडक्टिव इकोलॉजिकली एंड वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ एंडेमिक स्पीसीज आर कॉल्ड हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट किसको कहा जाता है, जो एरिया जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ एंडेमिक स्पीसीज पाया जाता है, एरिया दैट आर हाईली प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, इकोलॉजिकली होता है, जहां पे कि बायो अवेलेबिलिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है स्पीसीज का, तो उसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं।
करंटली देयर आर 36 हॉटस्पॉट, करंटली देयर आर 36 इन द वर्ल्ड. वेयर इज द नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, तो चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा. विच डिसीडियस श्रब इज पॉपुलर इन इंडिया एज ए लेह बेरी, तो सी बक थॉर्न हो जाएगा. वॉट इज द टर्म एम स्ट्रिप्स, एम स्ट्रिप जो है क्या रिलेट करता है, तो मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व. वाई आर द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ लायन टेल्ड एप्स मैक्यू फाउंड इन इंडिया, तो वेयर वेयर कहां पे पाया जाता है नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ लायन टेल्ड एप्स, तो तमिलनाडु केरला और कर्नाटका में. इन विच ईयर वाज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 2002 में हो जाएगा. बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है ये कब पास हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो 2002 में हो जाएगा. बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है कब पास हुआ था, 2002 में. मैरीन नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है, तो कौन कौन सा पार्क है मैरीन नेशनल पार्क में, आपका गल्फ ऑफ कच्छ मैरीन नेशनल पार्क गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ मैरीन नेशनल पार्क गुजरात में, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क अंडमान आइसलैंड में, गारी माथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में, गारी गहिर माथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में. देखिए गल्फ, जी फॉर गल्फ, जी फॉर गुजरात, जी फॉर गल्फ, जी फॉर गुजरात, तो आपका गुजरात में हो जाएगा. महात्मा गांधी मैरीन नेशनल, तो अंडमान आइसलैंड पार्क, महात्मा गांधी, ठीक है, तो अंडमान आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है. एक गाना सुने होंगे आप, वो अंडमान मामा, तो वही वही वाला है, ठीक है. वो अंडमान मामा तो मतलब अंडमान मतलब मामा, महात्मा गांधी, ठीक है. गारी माथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उड़ीसा में, गारी गहिर माथा, गहिर माथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, तो गल्फ ऑफ मन्नार जो हो जाएगा तमिलनाडु में है. कच्छ, कच्छ तो जानते ही गुजरात में है, तो याद रखिए कच्छ से याद रखिएगा गुजरात और मन्नार से तमिलनाडु, ठीक है. इसके बाद मालवन मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मालवन, एम से मालवन, एम से मरीन और एम से महाराष्ट्र, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट, वेयर इज द इंडिया फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क लोकेटेड, इंडिया फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क, तो गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन ऑफ इंडिया, तो वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन, ईस्टर्न हिमालय, सुंडालैंड निकोबार आइसलैंड में हो जाएगा. हु इज फ्लाइंग बॉक्स एंड ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन फ्रूट, तो ये स्पीसीज ऑफ बैट, स्पीसीज ऑफ बैट, स्पीसीज ऑफ बैट पेट्रो ऑफ रेड डाटा बुक ऑफ रेड और रेड लिस्ट इज मेंटेन्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, तो IUCN हो जाएगा. रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट इज मेंटेन्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, तो IUCN. रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट इज मेंटेन्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, तो IUCN हो जाएगा. विच मेडिसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वल्चर्स, तो डाइक्लोफेनाक सोडियम, डाइक्लोफेनाक सोडियम हो जाएगा. वाट आर द, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनिमल फौना वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो बल्लभगढ़ हरियाणा हो जाएगा, बल्लभगढ़ हरियाणा हो जाएगा. वेयर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ रेड पंडा फाउंड इन इंडिया, तो सब हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो जाएगा, सब हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो जाएगा. द चिंगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल, तो कश्मीरी स्टैग हो जाएगा. द चिंगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल, तो कश्मीरी स्टैग हो जाएगा. विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज लोकेटेड एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड, तो हेमिस हो जाएगा, जो कि लद्दाख में है. विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज लोकेटेड एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड, तो हेमिस लद्दाख हो जाएगा. विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट अमोनिया इंटू नाइट्राइड, तो नाइट्रोसोमोनास हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास. विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट अमोनिया इंटू नाइट्राइड, इन विच फॉर्म डज द पैडी प्लांट एक्सेप्ट नाइट्रोजन, इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम, NH4 हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम हो जाएगा, ठीक है. बाई वाट मीन्स डज केमिकल एलिमेंट इंटर द बायोस्फीयर इकोसिस्टम, तो थ्रू द रूट्स ऑफ द प्लांट हो जाएगा. द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया आर कॉल्ड द गेटवे टू बायोडाइवर्सिटी, द
द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया आर कॉल्ड द गेटवे टू बायोडाइवर्सिटी. हाउ मेनी बायो जियोग्राफिकल रीजंस आर प्रेजेंट इन इंडिया, तो 10 हो जाएगा. हाउ मेनी बायो जियोग्राफिकल रीजन आर प्रेजेंट इन इंडिया, तो 10 हो जाएगा. व्हेन ए कम्युनिटी इज परमानेंट, मैच्योर, कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लाइव्ड, इट इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो जाएगा. व्हेन ए कम्युनिटी इज परमानेंट, मैच्योर, कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लाइव्ड, इट इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो जाएगा. विच इज द बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया, तो रन ऑफ कच्छ हो जाएगा, 12,454 किलोमीटर स्क्वायर. बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो रन ऑफ कच्छ हो जाएगा, बिगेस्ट बायोस्फीयर. और बायो जियोग्राफिकल रीजन कितना है, 10 है. ठीक है, हॉटस्पॉट कितना है, 36 है. ये सब याद रखिएगा. ठीक है, अब देखिए साउथ बटन आइसलैंड, साउथ बटन आइसलैंड लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज द स्मॉलर नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया. तो ये आप याद रखिएगा. विच ट्री हैज बीन गिवेन द नेम एज ए स्माइल ऑफ कल्प वृक्ष, विच ट्री हैज बीन गिवेन द नेम एज ए स्माइल ऑफ कल्प वृक्ष, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका कोकोनट हो जाएगा. विच रिवर फ्लो थ्रू द कोलियाडो नेशनल पार्क, तो बनगंगा जो कि राजस्थान में है, और गंभीरल, तो ये हो जाएगा आपका. विच नेशनल पार्क इज फेमस एज द पैराडाइज ऑफ बर्ड्स इन इंडिया, तो कोलियाडो नेशनल पार्क, पैराडाइज कोलियाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान हो जाएगा. ठीक है, पैराडाइज तो कोलियाडो. विच एलिमेंट इज डिप्लेटेड मोस्ट फ्रॉम द सॉइल आफ्टर ए क्रॉप इज हार्वेस्टेड, जैसे क्रॉप है ना, हार्वेस्ट होगा बार बार, तो वो आपका कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा डिप्लेट होगा, तो पोटेशियम होगा. इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो इन सीटू कंजर्वेशन में आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. ठीक है, और एक्स सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, मतलब एक्स सिटी मतलब आउटसाइड हो जाएगा, इन सिटी मतलब इन देयर नेचुरल हैबिटेट हो जाएगा. एग्जांपल क्या हो जाएगा इन सिटू कंजर्वेशन का, देखिए कंजर्वेशन मतलब किसी चीज को संरक्षित करना, तो बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल हैबिटेट को अगर संरक्षित कर रहे हैं तो इन सिटू हो जाएगा, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट को संरक्षित कर रहे हैं तो एक्स सिटू हो जाएगा. जैसे कि आपका नेशनल पार्क हो जाता है, सेंचुरीज हो जाता है, टाइगर रिजर्व, ये सब आपका नेचुरल चीज है. इसमें हम लोग पार्क मतलब उस टाइप का पार्क नहीं होता है कि जाकर ये ओपन होता है, ये आपका एकदम नेचुरली होता है, नेचुरल पार्क होता है. ठीक है, और आपका जो आपका ये एक सूट में आपका जू हो जाएगा, चिड़ियाघर जैसे बनाते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं, सीड बैंक बनाते हैं, बोटानिकल गार्डन बनाते हैं, आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बनाते हैं, तो ये सब आपका किस में आ जाएगा, एक्स सी टू में आ जाएगा, एक्स सी टू कंजर्वेशन. कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा बाई आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इज ए मेथड अंडर एक्स सी टू कंजर्वेशन. ठीक है, ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया आर इंक्लूडेड इन एमएबी प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, तो 12 हो जाएगा. हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया आर इंक्लूडेड इन एमएबी प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, तो 12 हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद वेयर वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश इन इंडिया, तो फर्स्ट बायोस्फीयर नीलगिरी 1986 में, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1986 में. कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो बायो सेफ्टी एग्रीमेंट हो जाएगा. द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑफ द कार्टेजिना कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑफ बायो सेफ्टी इज इंप्लीमेंटेड बाई विच सेंट्रल मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज हो जाएगा. विच टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज यूज इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाएगा. ठीक है, हु फर्स्ट कैटेगराइज्ड इंडिया इनटू बायो जियोग्राफिकल रीजन, तो रोजर्स एंड पनवार हो जाएगा 1988 में. व्हाट इज अरीबड़ा, अरीबड़ा क्या है, अरीबड़ा क्या है, कंप्रिहेंसिव नेस्टिंग प्रोसेस ऑफ सम स्पीसीज ऑफ सी टर्टल, कंप्रिहेंसिव नेस्टिंग प्रोसेस ऑफ सम स्पीसीज ऑफ सी टर्टल्स हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं
हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ गंगा टाइगर डॉल्फिन हु हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ गंगा टाइगर तो डॉल्फिन हो जाएगा. वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड लोकेटेड तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा. विच स्टेट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क तो मध्य प्रदेश में 11. मध्य प्रदेश में विच स्टेट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हो जाएगा. इन विच सिटी इन इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड तो जामनगर गुजरात हो जाएगा. ठीक है. इन विच सिटी इन इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड तो जामनगर गुजरात हो जाएगा. वेयर इज द फ्लाइंग लिजार्ड कॉल्ड डार्को फाउंड इन इंडिया तो इन द फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट हो जाएगा. विच इज इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ एरिया तो नागा अर्जुना सागर 3728 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में. विच आइलैंड इन द वर्ल्ड इज रिजर्व फॉर बर्ड्स ओनली तो कजिन आइसलैंड हो जाएगा. सीएचिल्स हो जाएगा. वेयर वॉज द फर्स्ट बर्ड सेंचुरी एस्टेब्लिश इन इंडिया तो वेदांथंगल जो है कि तमिलनाडु में 1936 में फर्स्ट बर्ड सेंचुरी एस्टेब्लिश हुआ था. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट बर्ड सेंचुरी वेदांथंगल तमिलनाडु 1936. इंडिया फेमस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इज स्प्रेड थ्रू हाउ मेनी स्टेट तो 3 स्टेट से कर्नाटका से तमिलनाडु से केरला से. कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल तो 12 सिंगा. कान्हा नेशनल पार्क जो है ना ये आपका फेमस है कंजर्वेशन ऑफ किस एनिमल से तो 12 सिंगा से. विच माउंटेनर डिस्कवर्ड इंडिया फेमस वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क एरिया तो फ्रैंक स्मिथ होल्ड वर्थ एंड इरिक स्पेंटन. बर्ड सेंचुरी इन इंडिया तो घाना बर्ड सेंचुरी भरतपुर राजस्थान में. ठीक है. घाना बर्ड सेंचुरी भरतपुर राजस्थान. देखिए घानानंद था एक राजा था. घानानंद क्या था राजा था. ठीक है. घानानंद क्या था राजा था. उसको किसने मारा चंद्रगुप्त मौर्य था ना ये नंद ये इसका ठीक है. तो घानानंद था तो घाना से क्या राजस्थान में राजा सब रहते हैं तो ऐसे याद रखेंगे. रंगानाथू बर्ड सेंचुरी तो मंड्या हो जाएगा कर्नाटक में. मंड्या हो जाएगा कर्नाटक में. ठीक है. रंगानाथू मंड्या कर्नाटक हो जाएगा. ठीक है. और वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी तो कांचीपुरम तमिलनाडु. वेदांता देखिए वेदांता स्टील होता है ना वो आता है वेदांता स्टील को फेंके तो टूट गया. ठीक है. कांच था जैसा था टूट गया था कांचीपुरम. ठीक है. ऐसे याद रख सकते हैं तमिलनाडु. नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी तो नेलोर हो जाएगा. एन फॉर नेलापट्टू हो जाएगा आंध्र प्रदेश में. सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी तो गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा. देखिए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में सुल्तान मूवी में कुश्ती होता है मतलब और उसमें हरियाणा में ही ज्यादातर शूटिंग होता है तो सुल्तान बर्ड सेंचुरी क्या हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा. सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो चुराव हो जाएगा गांव गोवा में. देखिए अली बाबा का 40 चोर सुने थे ना तो अली यहाँ पे दिया हुआ है. अली बर्ड मतलब बाबा का 40 चोर मतलब चुराव तो अली सलीम अली चुराव हो जाएगा गांव गोवा में. कौंडिनिया बर्ड सेंचुरी तो चित्तौड़ में आंध्र प्रदेश में. चिल्का लेक तो नियर पूरी उड़ीसा में. और कुमारकोम बर्ड सेंचुरी कुमार कोट्टियम मतलब केरला. ठीक है. अब आते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रीवियसली नोन एज हेली नेशनल पार्क वाज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू बी नोटिफाइड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर. तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में था और अब क्या है उसका नाम हो गया है हेली. पहले नाम था हेली नेशनल पार्क जो कि फर्स्ट नेशनल पार्क हुआ एस्टेब्लिश इन इंडिया. ठीक है. आते हैं नेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज देख लेते हैं. व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज का मेजर कॉजेज क्या है तो ग्लोबल पोटेंशियल है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है. ये आपका क्या है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन. ये आपका मेजर कॉजेज है क्लाइमेट चेंज का. मेजर कॉजेज है क्लाइमेट चेंज का. ठीक है. ये याद रखेंगे आप. ऑन व्हाट फैक्टर डज द ग्लोबल हीटिंग
ग्लोबल हीटिंग पोटेंशियल ऑफ ए गैस डिपेंड, तो एफिशिएंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम ऑफ दैट गैस, ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ दैट गैस, याद रखेंगे ये वाला। इसके बाद देख सकते हैं यहां पे टेबल में पोल्यूशन जो होता है, पोल्यूशन जो होता है वो आपका ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है, ओशियन एसिडिफिकेशन होता है, ठीक है। जो आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ये आपका ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, और ओजोन डिप्लेशन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ सर्फेस पे इंक्रीज होगा, और ओशियन एसिडिफिकेशन से कोरल ब्लीचिंग नेगेटिव इम्पेक्ट ऑन मेरीन सिस्टम, तो ये होगा। इस सबके बाद जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके बाद इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और डिफॉरेस्टेशन, तो ये सब इसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, किसने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो जोसेफ फॉरियर, कौन इंट्रोड्यूस किए थे, तो जोसेफ फॉरियर इंट्रोड्यूस किए थे, कौन किए थे, तो जोसेफ फॉरियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विच इज द मोस्ट ब्रिटल इकोसिस्टम दैट विल बी अफेक्टेड फर्स्ट बाई ग्लोबल वार्मिंग, तो आर्कटिक ग्रीनलैंड आइसबर्ग हो जाएगा। विच नेचुरल ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस द मोस्ट ग्रीन हाउसेस, मोस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वाटर वेपर, नेचुरल गैसेस, विच नेचुरल गैस प्रोड्यूस द मोस्ट ग्रीन हाउस गैस, तो वाटर वेपर हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द क्योटो प्रोटोकॉल कम इनटू इफेक्ट, तो फरवरी 2015 में क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इफेक्ट में आया था, तो क्योटो जो है फरवरी 2005 में, सॉरी फरवरी 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल। व्हाई डज द टेंपरेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, टेंपरेचर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है इंक्रीज कर रहा है, एज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीजेज, एज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इंक्रीज, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व द इंफ्रारेड ऑफ सोलर रेडिएशन। ग्रीन हाउस गैस व्हाई डज, ये हो गया व्हाई, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल वॉज डेवलप्ड बाई, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल वॉज डेवलप्ड बाई वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBSCD, ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल को डेवलप करता है। वॉट आर द मेजर नेचुरल सोर्सेस ऑफ मीथेन गैस इमिशन, तो वेटलैंड हो जाएगा, सी हो जाएगा और हाइड्रेट हो जाएगा, ये आपका मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ मीथेन गैस है। वाई आर द ग्लोबल एटमोस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन गेट अप टू गेट डाटा ऑन वर्ल्ड टेम्परेचर, तो अल्जीरिया, ब्राजील और केन्या, अल्जीरिया, ब्राजील और केन्या हो जाएगा। विच मेथड आर हेल्पफुल इन कार्बन कवरिंग स्टोरेज इन द सॉयल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो इसमें आपका कंटूर बंड हो जाएगा और नन क्रोपिंग एंड जीरो टिलेज हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम व्हाट डज द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज आर ऑब्टेंड, फ्रॉम वेयर डज द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑब्टेंड, तो आइस सीट और आइस कोर्स। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनेवा स्विट्जरलैंड 1979, इन विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज द प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF मेड, तो सरकम कॉन्फ्रेंस कैनकम कॉन्फ्रेंस मैक्सिको 2010 में। विच इवेंट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये इफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग को। Rises in ocean floor, ये effect करता है। Change in seasonal condition, increase in global temperature, ये सब effect करता है global को, global warming को। Why two country will have to re-establish their international boundary if alpine glaciers melts due to global warming, तो Italy और Switzerland हो जाएगा, ठीक है, Italy और Switzerland हो जाएगा। इसके बाद water vapor is the most abundant and largest contributor to the earth's greenhouse effect, accounting for about 60% of the global warming effect. It stays in the atmosphere for few days, which will, while other greenhouse gases such as carbon dioxide or methane stay in the atmosphere for years, contributing to warming for an extended period. अब आते हैं, why did India agree to second commitment period of the Kyoto Protocol? तो 8 अगस्त, सॉरी कब हुआ था, व्हाई, व्हेन डिड इंडिया एग्रीड टू द सेकेंड कमिटी ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, तो 8 अगस्त 2007, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज पब्लिश, तो 1990 में हो जाएगा, इंटर गवर्नल एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट,
भूटान इज ए कार्बन निगेटिव कंट्री, भूटान जो है ये आपका कार्बन निगेटिव कंट्री है, भूटान जो है कार्बन निगेटिव कंट्री है। इट एब्जॉर्ब 6 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन, इट एब्जॉर्ब 6 मिलियन टन ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमोस्फियर एवरी ईयर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है लेयर डिप्लेशन एंड पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड पोल्यूशन। तो इसमें आप देख सकते हैं ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, इसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद होता है मेसोस्फियर, इसके बाद होता है आयनोस्फियर। तो आपका जो ओजोन लेयर है ना, ट्रोपोस्फियर में लाइफ एग्जिस्ट करता है, एटमोस्फियर होता है। ठीक है, ट्रोपोस्ट्रेटो होता है, ये आपका स्ट्रेटो में ओजोन लेयर होता है, स्ट्रेटो हो जाएगा। एट व्हाट हाइट इज द ओजोन लेयर कंसंट्रेटेड इन एटमोस्फियर, तो 20 to 35 किलोमीटर, किस हाइट पर ओजोन लेयर जो है कंसंट्रेटेड होता है एटमोस्फियर में, तो 20 to 35 किलोमीटर पे। इन द ईयर 2005, इन द ईयर 2005 हु डिस्कवर्ड द अपर जोन ऑरा ऑफ तिब्बत प्लेटू, तो जी डब्ल्यू केंट मुरे, जी डब्ल्यू केंट मुरे हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड द अपर ओजोन होल इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, तो जो फरमान ब्रियन ग्राइंडिनर और जोनाथ खान सैंकलिन ये डिस्कवर्ड किए थे अपर जोन होल इन अंटार्कटिका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच इशू और पोल्यूटेंट, तो प्रिवेंटिंग द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच इशू और पोल्यूटेंट प्रिवेंटिंग द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो 1987 हो जाएगा। गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोइथिलाइन और हैलोन 12, 11, 1300 EDC। व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का मेजरमेंट करने का यूनिट क्या है, तो डॉब्सन यूनिट DU हो जाता है। व्हाट इज द साइज ऑफ रिस्पायरेबल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन एयर, तो लेस देन 5 माइक्रोन जो हो जाएगा साइज ऑफ रिस्पायरेबल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन एयर। हाउ डू बायोडिग्रेडेबल नॉन पोल्यूटेंट्स इंटर द एनवायरनमेंट ड्यू टू ह्यूमन कॉज्ड पोल्यूशन, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन, ड्यू टू ह्यूमन कॉज्ड पोल्यूशन एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन हो जाएगा। एयर पोल्यूटेंट्स दैट आर डायरेक्टली मिक्स्ड विथ द पोल्यूटेंट सोर्स इन द एयर आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो जाएगा। एयर पोल्यूटेंट दैट आर डायरेक्टली मिक्स्ड विथ द पोल्यूटेंट सोर्स इन द एयर आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, वॉल्कनिक इरप्शन एंड फैक्ट्रीज, ये आपका डायरेक्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो जाएगा। डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, वोल्केनिक इरप्शन एंड फैक्ट्री। अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट है। अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, पार्टिकुलेट मैटर, मीथेन, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट है। टॉक्सिक मेटल सच एज कैडमियम, लीड, कॉपर, विच आर प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में ग्राउंड लेवल ओजोन, स्मोग, POPs, मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये सब आपका सेकेंडरी और पोल्यूटेंट्स में आ जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स आर प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन ओजोन एंड स्मोक, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। What type of pollutant are proxy acetyl nitrate pan ozone and smoke, तो secondary pollutant हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं What are the air pollutant produced as a result of the action of primary air pollutants and ordinary atmospheric substance, तो secondary air pollutant हो जाएगा। ठीक है,
कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हो जाएगा. व्हाट आर द एयर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट एंड ऑर्डिनरी एटमोस्फेरिक सब्सटेंस? तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हो जाएगा. विच एयर पोल्यूटेंट डिजोल्व, विच एयर पोल्यूटेंट डिजोल्व इन द होमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड मोर क्विकली देन ऑक्सीजन? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, फॉर्मिंग कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. ठीक है. व्हेन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, व्हेन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज फॉस्फेट नाइट्रेट्स डिसॉल्व एंड इंटर द एक्वाटिक इकोसिस्टम दे लीड टू विच फेनोमेनन? तो इट्रोफिकेशन हो जाएगा. विच इंडस्ट्री लेवर्स आर मोस्ट प्रोन टू साइटोसिलोसिस डिजीज? तो सीमेंट हो जाएगा. If the contaminated material is taken to another place and it is bio-treated, what will this process be called? Ex-situ bio-remediation हो जाएगा. Ex-situ bio-remediation. What are the pollutants that are decomposed by microorganisms such as bacteria? It is in a simple harmless element called the biodegradable pollutant हो जाएगा. Which are the most important factor responsible for the decoloration of Taj Mahal? तो nano-sized कार्बन एयर ब्रॉन पार्टिकल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स एयर पोल्यूटेंट, एसिड रेन फ्रॉम फैक्ट्रीज और ऑल रिफाइनरी, तो वो हो जाएगा. व्हाट इफेक्ट डज द एसिड रेन हैव ऑन द सॉल्यूशन? तो द सॉइल. व्हाट इफेक्ट डज एसिड रेन हैव ऑन द सॉइल? तो सॉइल पीएच वैल्यू इज रिड्यूस्ड. गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है. सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर फॉर्म नाइट्रिक एसिड. सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ कंबाइन होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है ड्यूरिंग रेनफॉल तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है. इफेक्ट ऑफ एसिड रेन वाशेस प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन लीव्स, स्टंट प्लांट ग्रोथ, रेजेस द लेवल ऑफ एसिडिटी, रिड्यूसिंग पीएच ऑफ वाटर बॉडी, डेटोरिएट्स लाइमस्टोन एंड मार्बल्स बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स. ये आपका एसिड रेन का इफेक्ट है. Which disease is caused by living in an environment that is in a rich in asbestos fiber? तो asbestosis हो जाएगा. क्या हो जाएगा? Asbestosis हो जाएगा. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं. ओजोन लेयर वॉज डिस्कवर्ड इन 1913 बाई फ्रेंच फिजिकिस्ट चार्ल्स फेब्री एंड हेनरी बोसन. ठीक है. ओजोन लेयर वॉज डिस्कवर्ड बाई इन 1913 बाई फ्रेंच फिजिक्स चार्ल्स फेब्रे एंड हेनरी बोसन. ठीक है, याद रखेंगे ये वाला. अब हम बात करते हैं मेजर पोल्यूटेंट सोर्सेस एंड इफेक्ट ऑन ह्यूमंस इन्वायरमेंट. ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, तो कंबस कैसे होता है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कोल के कंबसन से होता है. ऑयल एंड अदर फ्यूल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट, बायोमास बर्निंग. ठीक है, इफेक्ट क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन से प्रोड्यूस वीक कार्बनिक एसिड एडिंग टू एसिड रेन. कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय बाइंडिंग टू हेमोग्लोबिन विच में रिजल्ट इन एस्फाइक्सिया. हेमोग्लोबिन हैज 250 टाइम्स मोर एफिनिटी विद सीओ एज कंपेयर टू दैट ऑफ O2. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SOX, तो कंबसन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल, एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, म्यूनिसिपल इंसिनरेटिंग और स्मेल्टिंग फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन, ये हो जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. डैमेज टू ह्यूमन एंड अदर एनिमल लंग्स एंड इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर टू एसिड रेन. एडवर्स इफेक्ट इंक्लूडिंग कोरोजन ऑफ पेंट मेटल्स, इंजरी और डेथ टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बायोमास बर्निंग, बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स. ठीक है, फॉर्म द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ये इसका इफेक्ट हो जाएगा. सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्म करता है पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड, सप्रेशन इन इरिटेशन टू आइज, वायरल इन्फेक्शन लाइक इन्फ्लुएंजा, नाइट्रेट फॉर्म इन एटमोस्फियर इंपेयर्स द विजिबिलिटी. अब आते हैं हाइड्रोकार्बन HCS, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इवापोरेशन फ्रॉम गैसोलीन टैंक. हाइड्रोकार्बन HCS वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिलता है?
गैसोलीन टैंक से जो इवापोरेशन होता है उससे होता है, कार्बोरेटर से, बर्निंग ऑफ फ्यूल से, बायोमास से, म्यूनिसिपल लैंडफिल से, माइक्रोबियल एक्टिविटीज से, और ऑक्सीजन डिस्पोजल इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग सॉल्वेंट। और उससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन से क्या इफेक्ट हो सकता है, तो कार्सियोजेनिक इफेक्ट होगा ह्यूमंस में, हायर कंसेंट्रेशन आर टॉक्सिक टू द प्लांट एंड एनिमल्स, जहरीला होगा प्लांट और एनिमल के लिए, सम आर मोर रिएक्टिव विद सनलाइट एंड प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक। अब आते हैं अदर केमिकल कंपाउंड, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका क्लोरो फ्लोरो कार्बन CFC, फॉर्मल डिहाइड CH2O और मीथेन क्लोराइड CH2Cl2। ये आपका एरोसोल स्प्रे फॉर्म एंड प्लास्टिक फॉर मेकिंग डिस्पोजल फास्ट फूड कंटेनर्स रेफ्रिजरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो हो जाएगा, इससे आपका कॉजेस रिडक्शन इन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन एंड इंटेंसिफाइड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेस स्किन कैंसर। इसके बाद मेटल एंड अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटल आपका इसमें आ जाएगा, लीड आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड आ जाएगा, ऑयल वेल्स एंड रिफाइनरीज, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, म्यूनिसिपल लैंडफिल्स, फर्टिलाइजर, सिरामिक्स, पेपर, केमिकल एंड पेंट इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड्स, एल्युमिनियम प्रोडक्शन, कोल ग्लासिफिकेशन, गैसिफिकेशन, ये सब से ये सब प्रोड्यूस होता है, ऑयल वेल से प्रोड्यूस होता है, रिफाइनरी से होता है, व्हीकल का ट्रांसपोर्टेशन से होता है, म्यूनिसिपल लैंडफिल्स होता है, फर्टिलाइजर सिरामिक पेपर से होता है, केमिकल एंड पेंट इंडस्ट्रीज पेस्टिसाइड्स होता है, फंगीसाइड्स होता है, एल्युमिनियम प्रोडक्शन और कोल ग्लासिफिकेशन से होता है। अब देखिए लिक्विड ड्रॉपलेट्स में आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और पेस्टिसाइड, ये आपका लिक्विड ड्रॉपलेट में आ जाएगा। इसमें ये कैसे होता है, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड से होता है, फॉमिगेशन से होता है, ऑल रिफाइनरी से होता है। कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, ये क्या करता है, एसिड रेन मतलब लाता है, कोरोजन बढ़ाता है, डैमेज टू वेरियस लाइफ इन एटमोस्फेयर, ये भी करता है। अब देखिए सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट, सॉइल सल्फेट साल्ट, ये आपका फ्यूल कंजम्पशन से प्रोड्यूस होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस होगा, माइनिंग में, थर्मल पावर स्टेशन में, स्टोन क्रशिंग में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, फॉरेस्ट फायर में और इनसिनरेशन में, ये सब में सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, डस्ट, ऑयल सैंपल, साल्ट, ये सब रहता है, ठीक है। इसके बाद हैव क्रोनिक इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिपोजिशन ऑन द सर्फेस ऑफ ग्रीन लीव्स, पेस्टिसाइड पार्टी साइकिल 0.12 पार्टिकल्स 0.1 to 10 क्यूबिक मीटर, कॉजेस लंग डैमेजेस। अब इसके बाद आते हैं फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, इसमें आपका ओजोन आ जाएगा, प्रॉक्सी एसिल नाइट्रेट आ जाएगा, पैन, ये सब आपका सेकेंडरी है। फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमोस्फेयर दैट इन्वॉल्व सनलाइट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन, तो उसको होगा, ठीक है। मतलब कैसे आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एटमोस्फेयर दैट इन्वॉल्व सनलाइट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन, प्रोड्यूस इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रोड्यूस हेज, इरिटेशन टू द आईज, नोज एंड थ्रोट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। रैंडन गैस, रैंडन जो गैस है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन है, ठीक है। इट कॉजेस लंग कैंसर एंड ब्लड कैंसर, तो ये भी याद रखिएगा, इट कॉजेस लंग कैंसर और ब्लड कैंसर, ठीक है। व्हाट इज मीन्ट बाय बायोरिमेडिटेशन, बायोरिमेडिटेशन से क्या मतलब है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय लिविंग द क्रिएचर्स, माइक्रोब्स और बैक्टीरिया हो जाएगा। बायोरिमेडिटेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम एनवायरनमेंट बाय लिविंग द क्रिएचर, माइक्रोब्स और बैक्टीरिया। इन बायो रिमेडिटेशन इज डन इन पोल्यूटेड एरिया, व्हाट इज इट कॉल्ड, तो इन सीटू बायो रिमेडिटेशन। व्हाट इज बायो रिमेडिटेशन, बाय स्टोरिंग पोल्यूटेंट इन रूट्स एंड लीव कॉल्ड, तो फाइटो एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। व्हाट इज बायो रिमेडिटेशन, बाय स्टोरिंग पोल्यूटेंट इन रूट एंड लीव्स और कॉल्ड, तो फाइटो एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। If the contaminated material is taken to another place and is bio treated, what will this process be called? So, ex situ bio remediation हो जाएगा। Why did nuclear digester happened at the nuclear center in Chernobyl, Ukraine? When did the nuclear digester happened at nuclear center in Chernobyl, Ukraine?
अप्रैल 26, 1986 हो जाएगा। विच रिवर ऑफ इंडिया इज नोन एज ऑर्गेनिक डिजर्ट ड्यू टू इट्स पोल्यूटेंट, तो आपका दामोदर रिवर हो जाएगा। विच डिजीज अकर्स इन चिल्ड्रेन ड्यू टू एक्सेस नाइट्रेट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम और इन्फेंट मेथे में ग्लोमिनिया हो जाएगा। ठीक है, विच मेजर पोल्यूटेंट आर फाउंड इन सिगरेट स्मोक, कौन सा मेजर पोल्यूटेंट पाया जाता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ये सब पाया जाता है। विच इकोलॉजिकल इशू इज एसोसिएटेड विद ग्रीन मफलर, तो साउंड पोल्यूशन हो जाएगा। विच इकोलॉजिकल इशू इज एसोसिएटेड विद ग्रीन मफलर, तो साउंड पोल्यूशन हो जाएगा। विच गैस इज रिलीज्ड बाई इनकम्प्लीट इग्निशन इन व्हीकल, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। विच गैस इज रिलीज्ड बाई इनकम्प्लीट इग्निशन इन व्हीकल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। व्हाई कांट पोलिथीन बैग्स बी डिस्ट्रॉयड, दे आर मेड ऑफ पॉलीमर, विच वॉज द, ठीक है, विच गैस वॉज द लीक्ड फ्रॉम यूनियन कार्बोरेटरी फैक्ट्री इन भोपाल गैस, तो मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। वॉट इज एन इंसिनेटर यूज, तो इंसिनेटर यूज फॉर बर्निंग गार्बेज एंड वेस्ट। इन विच ईयर डिड द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट केम इनटू फोर्स, 1974, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1974, विच फ्यूल प्रोड्यूसेस द लीस्ट एयर पोल्यूशन, तो हाइड्रोजन जो है सबसे कम एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, विच गैस इज इमिटेड फॉर सुपरसोनिक जेट डैमेजेस द ओजोन लेयर, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। विच गैस इज इमिटेड फ्रॉम सुपरसोनिक जेट डैमेजेस द ओजोन लेयर, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय पोलन पार्टिकल्स ऑफ पैरेन्थेलम, तो स्किन डिजीज और अस्थमा हो जाएगा। लिकेन्स आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इस टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा लिकेन्स जो हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन अकर्स ड्यू टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो रेडियो एक्टिव इलेमेंट हो जाएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो जाएगा। व्हाट इज एडेड टू गेट प्रॉपर ऑक्टेन वैल्यू इन अ लिड फ्री पेट्रोल, तो बेंजीन, टोल्यून और जिलेन हो जाएगा। ठीक है, इटाइटे डिजीज कॉज बाय व्हिच मेटल, तो कैडमियम हो जाएगा। व्हिच डिजीज लाइकली टू अकर, तो आपका ब्रेन बेंजीन हो जाएगा, इसमें आपका ब्लड कैंसर हो जाएगा। विट डिजीज इज लिकली टू अकर ड्यू टू बेंजीन, तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल कॉज डिक्रीज डिजीज लाइक सिलिकोसिस एंड एस्टेबायोसिस, तो ड्यू पार्टिकल्स कंटेनिंग सिलिका एंड एस्बेस्टस, कंटेनिंग सिलिका एंड एस्बेस्टस। ठीक है, व्हाट आर द मेजर पोल्यूटेंट अफेक्टिंग ग्राउंड वाटर, तो आर्सेनिक और फ्लोराइड हो जाएगा मेजर पोल्यूटेंट अफेक्टिंग ग्राउंड वाटर। व्हाइट डिजीज इज कॉमन टू पर्सन इंगेज इन ए कोल इंडस्ट्री, तो न्यूमोकोनोसिस। ठीक है, विच सब्सटेंस इज फाउंड इन एक्सेस इन ऑल द डिटर्जेंट इन इंडिया, तो फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, इन विच इंडस्ट्री आर पीपुल एट रिस्क ऑफ बिकमिंग इन्फेक्टेड विथ बायोनोसिस डिजीज, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, वॉट कॉजेस द डिजीज कॉल्ड ब्लैक फूड, तो एक्सेस ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा। एक्सेस ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर। विच प्लांट इज नोन एज ऑब्जर्वर ऑफ एक्वाटिक टॉक्सिन, तो है किनित हो जाएगा। ठीक है, किनित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एस्बेस्टस डस्ट जो होता है, ये आपका लंग्स में काम करता है। लीड जो है ब्रेन में, मरकरी जो है बोरोन में, मरकरी जो है स्टोमिक में होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड नर्व्स एंड आर्टरीज में होगा। ठीक है, और सफर जो है ना, सफर एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, टू मेजर द एयर क्वालिटी ऑफ मेट्रोपोलिटियन सिटी, हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, मिसेलियस में। व्हाट इज पग मार्क टेक्नोलॉजी यूज्ड, तो पग मार्क टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज होता है, वेयर, व्हाई इज पग मार्क टेक्नोलॉजी यूज्ड, तो टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल, टू एस्टिमेट द, व्हाई इज पग मार्क टेक्नोलॉजी यूज्ड, तो टू एस्टिमेट द पॉल्यूशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट presented in Earth Conference of Rio de Janeiro 1992. What is Eco Mark? Certification mark produced by Bureau of Indian Standard to eco-friendly product. So Eco Mark हो जाएगा। Global 500 award is given for a special achievement in which field? So in the field of environmental protection हो जाएगा। ठीक है। What is Earth Overshoot Day? So Day
marks that the day marks that the date when humanity demand for ecological resources in a given area exceeds what the earth can regenerate in the year. ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा. The concept of earth observer suit day was first convinced by Andrew Simmons of UK based on New Economics Foundation 2006. ठीक है, concept of earth observer suit day was first conceived by Andrew Simmons of UK based on New Electronics Foundation. In which country is National Sanitation Day celebrated on the first century of each item? तो सीरा लियोन हो जाएगा, सीरा लियोन हो जाएगा. In which year, in which country is National Sanitation Day celebrated on the first Saturday of each month? सीरा लियोन हो जाएगा. Which environmental activities is known as tree man? तो चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, associated with Chipko movement. In which country is National Sanitation Day celebrated on the first Saturday of each month? तो सीरा लियोन हो जाएगा. ठीक है, याद रखेंगे. Which environmental activist is known as tree man? तो चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, associated with Chipko movement. In which field राजीव गांधी environmental award is given? किस फील्ड में दिया जाता है? तो क्लीन टेक्नोलॉजी में. फॉर द कंट्रीब्यूशन इन क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाएगा. वेयर इज नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI लोकेटेड? ठीक है, NEERI लोकेटेड, तो नागपुर हो जाएगा. Why is the Periyar Game Sanctuary Kerala famous? तो टाइगर हो जाएगा. पेरियार गेम सेंचुरी केरला फेमस फॉर टाइगर हो जाएगा. वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल लोकेटेड? तो न्यू दिल्ली हो जाएगा. इन विच फील्ड इज द सास्कावा अवार्ड गिवन? तो फॉर द कंट्रीब्यूशन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं. व्हेन वाज द इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पब्लिश्ड? तो जून 2008 में हो जाएगा. वेयर इज द इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो देहरादून उत्तराखंड हो जाएगा. विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी इन ग्रीन इकोनॉमी? तो चाइना हो जाएगा. ठीक है, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी. इकोलॉजी जो होता है ये आपका परमानेंट इकोनॉमी होता है. इट वॉज स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट? तो चिपको मूवमेंट का है. वेयर इज नेशनल एग्रो फोर्स रिसर्च सेंटर लोकेटेड? तो झांसी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा. नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर लोकेटेड. इन विथ विच फील्ड अमृता देवी स्मृति अवार्ड इज सेलिब्रेटेड? रिलेटेड टू द वर्ल्ड वर्क डन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. विच एनिमल इज मॉस्कॉट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? तो गैंड पंडा हो जाएगा. अब आते हैं इन्वायरमेंट मूवमेंट्स और रिलेटेड पर्सनैलिटी इन इंडिया. तो जो आपका अपीको मूवमेंट था वो 1983 में कर्नाटका से स्टार्ट हुआ था और इसका पेंडुरंग हेगड़े था. टेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट 1990 में सुंदरलाल बहुगुड़ा उत्तराखंड. चिपको मूवमेंट 1973 उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुड़ा गोड़ा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा. नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में मध्य प्रदेश में मेघा पाटकर और बाबा हमेटे हो जाएगा. मेटी मूवमेंट 1994 उत्तराखंड में कल्याण सिंह रावत. बिसोई मूवमेंट 1700 अमीरा देवी बिश्नोई हो जाएगा. सेव साइलेंट वैली मूवमेंट 1978 केरला, तो सुगाथा कुमारी हो जाएगा. जंगल बचाओ मूवमेंट 1982 बिहार से स्टार्ट हुआ था. ट्राइबल्स ऑफ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, इसके बाद देखते हैं. एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन हैज बीन कन्फर्ड द टाइटल ऑफ फादर ऑफ इकोलॉजी बाई UNEP. एम एस स्वामीनाथन को एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन टाइटल ऑफ फादर ऑफ इकोनॉमिकोलॉजी. ठीक है, इकोनॉमिकल इकोलॉजी बाई UNEP. वॉट वॉज द Pervious name of Ministry of Earth Science? What is the pervious name of Ministry of Earth Science? तो Ministry of Ocean Development हो जाएगा. When was the Yamuna Action Plan formally launched? 1983 में Yamuna Action Plan formally launch हुआ था. किस साल में?
सेंट्रल गंगा अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 1985 में सेंट्रल गंगा अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985 में, ठीक है, याद रखेंगे 1985 में, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में, ठीक है। मेजर इन्वायरमेंटल रिलेटेड इंटरनेशनल डे, ठीक है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड डे तो फरवरी 2 में हो जाएगा। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मार्च 21 मार्च हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन वाटर, वर्ल्ड वाटर डे तो मार्च 22 में हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन मेटोलॉजिकल डे तो 23 मार्च। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक तो मार्च 18 से 24। यूनाइटेड नेशन अर्थ डे अप्रैल 22। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे तो 8 मई हो जाएगा। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो मई 22 हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसके बाद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे टू कम्बॉट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट तो 17 हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे तो 11 जुलाई हो जाएगा। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड वर्ल्ड ओजोन डे तो 16 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैबिटेट डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे जो है वो आपका 4 अक्टूबर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो 1 से 7 अक्टूबर का, ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, कलेसर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो हरियाणा हो जाएगा। कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। द सेंसस ऑफ टाइगर इज अंडरटेकन एट नेशनल लेवल वंस इन हाउ मेनी इयर्स, 4 ईयर्स हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ बायोमास इकोलॉजिकल पिरामिड इज प्रेजेंट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो अपराइट हो जाएगा। एकेसियास और यूफोरबायास आर वेरी प्रोमिनेंट इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मेजर नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल इज फाउंड इन विच रीजन, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मेजर इन्वायरमेंट एक्ट इन इंडिया, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कोलिशन बैट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980। इसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ 1981, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1981, ठीक है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग मैनेजमेंट एक्ट 1989, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1999, ठीक है। पब्लिक नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल 2000 में, और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वर्टीरीज एंड फार्मर्स, ये आपका हो जाएगा राइट एक्ट ऑफ 2001। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, 2002 हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 हो जाएगा। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 हो जाएगा। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 हो जाएगा, जो कि लेटेस्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हाउ मेजर ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर सोर्सेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेजर ग्रीन हाउस गैस है, इसका सोर्स क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और डिफॉरेस्टेशन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेशन सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म एरो पोल्यूटेंट्स और इंडस्ट्री एंड कमर्शियल टिश्यूज, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। मीथेन में ग्रोइंग पैडी, मीथेन जो है ग्रोइंग पैडी एक्सक्रेटा ऑफ कैटल एंड अदर लाइव स्टॉक टर्माइट्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल वुड लैंडफिल वेटलैंड फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री। नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O जो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फर्टिलाइजर्स और बर्निंग ऑफ वुड एंड क्रॉप रेसिड्यू। कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन आर अ स्मेल्टिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्निंग ई वेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द सोर न्यूसेंस बॉम्बे एंड कोटा एक्ट 1853 वाज द फर्स्ट एनवायरमेंट एक्ट ऑन वाटर पोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं मेजर इन्वायरमेंटल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, ये एक पेज बच गया है, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। मेजर इन्वायरमेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशन,
मेजर इन्वायरमेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो आपका अंटार्कटिक ट्रीटी ये आपका कहाँ पे है, वाशिंगटन में जो हुआ था अंटार्कटिक ट्रीटी, ये आपका वाशिंगटन में 1959 में। अंटार्कटिक जोन जो कि साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ है, टू बी यूज फॉर पीसफुल पर्पस ओनली एंड शैल नॉट बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल डिस्कॉर्ड, इट प्रोहिबिट्स ऑल मिलिट्री एक्टिविटीज इन द रीजन, अलाउ फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन साइंटिफिक एक्टिविटीज। इंडिया साइंड द अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम इन 1983। देखिए, इंडिया जो है वो अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम को साइन किया है 1983 में। ये क्या कहता है, ये आपका मना करता है कि सारा जो मिलिट्री एक्टिविटीज होगा वो आपका जो रीजन है अंटार्कटिक जोन उसमें नहीं होगा। अलाउ फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन साइंटिफिक एक्टिविटीज। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि अंटार्कटिक ट्रीटी जो है वाशिंगटन में 1959 में हुआ था, इंडिया साइन किया था अंटार्कटिक के 1983 में। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स 1973 में, ठीक है। इट वॉज साइंड ऑन मार्च 1973 फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट ऑन जुलाई 1976। वियना कन्वेंशन ये आपका 1985 में हुआ था, प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पे रोक लगाया गया था, रिड्यूस किया गया था ड्यू टू देयर कंट्रीब्यूशन टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्ट कर देता है, तोड़ देता है, तो उसी के रिड्यूस करने के लिए ये वियना कन्वेंशन हुआ था। अब आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन ए सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये इसमें क्या हुआ था, इसमें टारगेट सेट किया गया था एम्ड टू रिडक्शन इन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को रिड्यूस करना। इट केम इन टू फोर्स इन 1989, इट वॉज एडॉप्टेड बाई इंडिया इन सितंबर 1992 हो जाएगा। बेसल कन्वेंशन और ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्टेस 1989, नॉन पॉपुलरली नोन एज बेसल कन्वेंशन, द कन्वेंशन एम्स फॉर रिडक्शन इन द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स शिपमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट टू कंट्रीज अनेबल टू डिस्पोज ऑफ हजार्डस वेस्ट इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। India ratified in the treaty in 1992 and included some provision for Basel Convention in India Hazardous Waste Management Act Rule 1989. ठीक है, इसके बाद United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC 1992 में, it aims to regulate greenhouse gas emission through the international cooperation and agreement and to bring emission to pre-industrial level. ठीक है, मतलब एक एक एक, एक, एक सही सुटेबल लेवल में लाना उसको, सुटेबल, ठीक है। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ कन्वेंशन इन 1992 एंड रेटिफाइड इन 1993। इयरलियर एज ए डेवलपिंग नेशन इंडिया वाज नॉट बाउंड टू कमिटमेंट्स फॉर मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन विद द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015। इंडिया हैज कमिटमेंट टू पार्टिसिपेट इन मल्टी लेटरल नेगोशिएशन अंडर UNFCCC। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, इट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी इन यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड नॉलेज दैट अराइज इन केस ऑफ द यूजेज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इट वॉज इनफोर्स इन 1993। नागोया प्रोटोकॉल वॉज अडॉप्टेड इन 2010 टू प्रोपोगेट द कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ द एरिया बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क इन द कन्वेंशन। ठीक है, इंडिया पास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग बायोडाइवर्सिटी। एजेंडा 21 इज ए प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एट रियो डी जनेरियो ब्राजील 1992 टू इंक्लूड स्टेक होल्डर्स इन इंडियन
इन नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इज सिग्नेटरी टू एजेंडा 21 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन 1994 इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 1994 एंड सिक्स ए बॉटम अप अप्रोच टू बिल्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन कंबैटिंग डेजर्टिफिकेशन और एड्रेसिंग पॉलिसी इन रीजन प्रोन टू ड्राउट्स कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी ये भी लाइफ मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है इट केम इन टू फोर्स इन जनवरी 2000 इंडिया इट इज पार्टी टू इट प्रायर इनफॉर्म कंसेंट रोटर डैम कन्वेंशन इट प्रमोट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ट्रेड ऑफ हजार्डस केमिकल इट केम इन टू फोर्स इन फरवरी 2024 इंडिया रेटिफाइड द ट्रीटी इन 2005 अब आते हैं मेजर इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में इसका जो हेडक्वार्टर है नियर बोई केन्या में ऑब्जेक्टिव क्या है ठीक है अब ये ऑब्जेक्टिव छोड़ दीजिए सिर्फ ये याद रखिएगा UNEP जो है 1972 नेरा बोई केन्या IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है ठीक है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है 1988 जिनेवा स्विट्जरलैंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO 1950 में जिनेवा स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर तो 1961 ग्लैंड स्विट्जरलैंड ठीक है इसके बाद ग्रीन पीस का जो एस्टेब्लिशमेंट 1971 एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स और वेटलैंड इंटरनेशनल 1995 वैगिंजन नीदरलैंड हो जाएगा ठीक है तो ये आप याद रखेंगे देखिए यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये आपका नेराबोई केन्या हो जाएगा UNEP इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ग्लैंड स्विट्जरलैंड IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज तो जिनेवा स्विट्जरलैंड वर्ल्ड मेटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO तो जिनेवा स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ग्लैंड स्विट्जरलैंड ग्रीन पीस 1971 नीदरलैंड और वेटलैंड इंटरनेशनल वेनिंगन नीदरलैंड हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर फाउंडेड इन 1948 इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अब ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF 1991 में हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC ट्रैफिक 1976 में कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम UK ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो है हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया बाई कार्बन फाउंड इनिशिएटिव 2013 में USA में एक क्रिएटिव काउंसिल 1996 में नॉर्वे साइंटिस्ट रोटेट्स बाई नियरली अमंग द मेंबर्स हो जाएगा इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन 1946 में कैम्ब्रिज ठीक है कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन WNO जो है 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था और जिनेवा जो है इसका हेडक्वार्टर है बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया सिंस 15th सेंचुरी ठीक है अब ये लास्ट है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब देखिए स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस 1972 याद रखिएगा हेलेनस्की कन्वेंशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1992 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 रियो कन्वेंशन 1992 क्योटो प्रोटोकॉल 1997 बाली कन्फ्रेंस 2007 ठीक है बाली कॉन्फ्रेंस 2007 में और इसके बाद कोपनहेगन समिट 2009 में द कैनकन एग्रीमेंट 2010 में डर्बन कन्वेंशन 2011 में और दोहा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2012 में ठीक है वारसाव क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2013 में लीमा क्लाइमेट चेंज 2014 में और पेरिस क्लाइमेट चेंज 2015 में मार्केस प्री क्लेमिनेशन आपका 2016 में कोप 23 2017 में कोप 24 2018 में कोप 23 जो है बोन जर्मनी में हुआ था और कोप 24 कटोवाइस पोलैंड में ठीक है कोप 25 जो है मैड्रिड सस्पेंड 29 में कोप 26 ग्लासगो UK 2001
2021 में COP27 टू द UNFCCC विल टेक्स प्लेस इन शर्म ई आई शेख इजिप्ट फ्रॉम 7 to 18 नवंबर 2022। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल खत्म हो गया। ठीक है, आप इसको 2-3 बार 2 के स्पीड में करके देखिए, जल्द ज्यादातर याद हो जाता है, सुनने से ज्यादा याद होता है, ज्यादा दिन की आप पढ़े। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।